दोस्तों बहुत सारे फेसबुक क्रिएटर हमसे पूछते हैं कि सर मैं फ़ेसबुक पे वीडियो लगातार अपलोड करता हूं उसके बाद भी मेरे फेसबुक वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते मेरा फ़ेसबुक वीडियो जो वायरल नहीं होता आप कैसे फेसबुक पे वीडियो अपलोड करते हैं कि आपके अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे चार ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में जान करके आप भी वीडियो अपलोड करेंगे तो 99 परसेंट चांस है कि आपका वीडियो भी वायरल हो जाए आपका चैनल भी बुस्ट कर जाए और अच्छी खासी आप यहाँ पे अर्निंग कर सकें सबसे पहले कि आपका जो वीडियो होना चाहिए उसका साइज क्या होना चाहिए दूसरा जो है कितने मिनट का वीडियो होना चाहिए तीसरा जो है किस टाइप का वीडियो होना चाहिए और चौथा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है चार नंबर में यानी कि कौन से टाइम पे आप वीडियो अपलोड करें ताकि आपके फेसबुक वीडियो पे अच्छी खासी रीच आए और अच्छा खासा व्यूज़ यहाँ पे गेन कर सकें आप तो चारों टॉपिक को जानने के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा मेरा नाम कमाल फारूक है टेक्निकल फारूक श्याल में आपका बहुत बहुत स्वागत है चलिए दोस्तों जान लेते हैं तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो कॉमन टॉपिक है बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर फेसबुक पे जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका साइज़ क्या होना चाहिए तो यहाँ पर मैं जब भी फेसबुक पर इस्क्रोल करता हूँ तो देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ है ना वो किस साइज़ के वीडियो पे है तो अक्सर हमको देखने को मिला है कि जो नाइन इंटू सिक्सटीन का रेशियो है उस पर भी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं वन इंटू वन का जो वीडियो होता है उस पर भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और साथ में सिक्सटीन इंटू नाइन यानी कि जो मोबाइल का साइज होता है इस साइज़ में भी कोई कोई वीडियो जो है ना आता है आप ऐसे देखते हैं तो वो साइज़ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बूम करता है बूस्ट करता है तो यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे वीडियो यानी बहुत सारे साइज पे बहुत सारे व्यूज़ आए हैं मिलियंस में व्यूज़ आए हैं उनचास मिलियन पचास मिलियन ऐसे भी व्यूज आए हैं तो मैं जब भी स्क्रॉल करता हूँ तो उस पर साइज का जो भी मैं डायमेंसन देखता हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आता है कि साइज़ यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता आप जिस साइज में वीडियो अपलोड करते हैं कोई दिक्कत नहीं है अगर आप YouTube के लिए वीडियो बनाते हैं तो आप चाहते हैं कि वही वीडियो या उस टाइप पे वीडियो जो है आप Facebook पे अपलोड करें तो वन इंटू वन यानी कि ऊपर में जो खाली जगह बन जाता है उस जगह पे आप वीडियो आपका जो भी सरांस हो जो भी टाइटल हो वो ऊपर में और नीचे में लिख दीजिए और बीच में जो है ना वो आप वीडियो लगा दीजिए तो इस तरीके का वीडियो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बुम करता है ग्रो करता है वन इन टू वन का रेशियो जिसको कहा जाता है एंड कोई भी आप रेशियो में वीडियो अपलोड कीजिए कोई दिक्कत नहीं होता है लेकिन मैं ज़्यादातर ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ कि वन इन टू वन का जो रेशियो होता है वो ज़्यादा परफेक्ट होता है फेसबुक के लिए पहला तो हो गया आपका साइज़ जी हाँ दोस्तों फेसबुक का साइज़ आपने पता कर लिया एंड दूसरा जो होता है वो होता है वीडियो कैसा होना चाहिए तो अक्सर जो मतलब कि फेसबुक पे वीडियो लोग अपलोड करते हैं तो देखते क्या है कि कोई भी वीडियो आया बस एडिटिंग वेडिटिंग कुछ नहीं किया आ, वहाँ पे नाम लगाया टाइटल लगाया और वीडियो अपलोड कर दिया तो बिल्कुल ये आपको काम नहीं करना है कम से कम अगर आप फेसबुक क्रिएटर बनना चाहते हैं फेसबुक से अच्छा व्यूज़ और साथ में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ पे ध्यान देना होगा जी हाँ दोस्तों आपको क्या करना होगा कि जब आप वीडियो एडिटिंग करें तो आपको क्या होगा कि कम से कम पंद्रह सेकेंड का एक क्लिप बनाना होगा जो वीडियो का पूरे वीडियो में जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिप होगा जो फनी वाला क्लिप हो या किसी भी तरीके का क्लिप हो जिससे लोग अट्रैक्ट हो सके उसको आप आगे लगाइए तीन तीन चार चार सेकंड का चार पांच क्लिप लगा दीजिए ताकि वीडियो जो लोग देखें ना तो देख करके कहें कि नहीं ये चीज़ अंदर है तो वो चीज़ के लिए वीडियो जो है वो एंड तक देखें तो ये दूसरा जो टॉपिक था कि किस तरीके का वीडियो होना चाहिए उसके अलावा और uh, कितने मिनट का वीडियो होना चाहिए अगर आप नए फेसबुक क्रिएटर <ग्रेय> हैं और आप चाहते हैं कि मैं वायरल हो जाऊं आपका फेसबुक क्रिएट फेसबुक का जो चैनल है वो ग्रो हो जाए तो आप भूल करके भी एक एक घंटे का डेढ़ डेढ़ घंटे का वीडियो मत बनाइएगा आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम से चार से सात मिनट के अंदर का वीडियो बनाइए चार से सात मिनट का चार मिनट का बनाइए पाँच मिनट का बनाइए सात मिनट का बनाइए छः मिनट का बनाइए चार से सात मिनट के अंदर का वीडियो बनाना ज़्यादा सफिशियंट है और जो जो चौथा टॉपिक है ना वो टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि चार से सात मिनट का जो वीडियो है अगर आप बनाते हैं उस तरीके का वीडियो तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल होगा और कंटिन्यू आपको फेसबुक पे काम करने होंगे फेसबुक पे कंटिन्यू काम करने होंगे ऐसा नहीं कि दो वीडियो आज डाल दिए उसके बाद साइलेंट हो गए दस वीडियो आज डाल दिए फिर साइलेंट हो गए ऐसा नहीं करना है कंटिन्यू आपको फ़ेसबुक पे जैसे यूट्यूब पे आप काम करते हैं अगर नहीं करते तो आप जान लीजिए कि यूट्यूब पे कंटिन्यू आप वीडियो अपलोड कीजिए डेली अपलोड कीजिए ठीक उसी तरीके से आपको फेसबुक पर भी वीडियो अपलोड करने हैं रेगुलर वीडियो अपलोड करने हैं ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए और जो टाइमिंग होगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चौथा टॉपिक कि टाइमिंग क्या होना चाहिए तो यहाँ पे दो तरीके का टाइमिंग होता है तो एक तरीके के बारे में मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में लेकिन जो मैंने यहाँ पे रियलाइज़ किया है कि कौन सा टाइमिंग सबसे बेटर है तो सुबह के सात बजे से नौ बजे तक का पहला एक बजे से तीन बजे तक दूसरा और सात बजे ले से लेकर के सात से लेकर के और नौ बजे तक का तीसरा जो टाइमिंग है ये तीनों टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अब इस समय वीडियो अपलोड करते हैं तो 90 परसेंट चांस है कि आपका वीडियो वायरल होगा कैसे एक होगा सात बजे से नौ बजे तक सुबह में दूसरा जो है वो एक बजे से तीन बजे तक का है और चौथा जो है वो सात बजे से नौ तक न, मतलब तीसरा जो है सात बजे से नौ बजे तक का जो टाइमिंग है वो एग्जैक्ट टाइमिंग होता है फेसबुक वीडियो अपलोड करने का अगर किसी भी तरीके का कोई क्वायरी हो तो आप हमें फ़ेसबुक पे इंस्टाग्राम पे साथ में टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे कंटेक्ट कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमें कंटेक्ट कीजिए हमसे बात कीजिए सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो इस वीडियो से तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू सो मच